हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस कॉर्नर। टुडे इज डे 3, दैट इज फॉर प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर राइटिंग टारगेट ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेन 2020। सो वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द टॉपिक इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो इवन दो द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंटरी मॉडल, इट नेवर बिकेम ए रिप्लिका ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम। एलाबोरेट। क्वेश्चन रे कौन कहूँ ना, जदिओ आमर इंडिया रो जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंटरी, इट एटा केबे भी माने ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम रो पूरा सेम नुह बा तार रिप्लिकेशन नुह, तो आमे ताकू जस्टिफाई करिबा, आमे इलाबोरेट करिबा। तो आमे फर्स्ट कौन करिबा ना, अप्रोच कौन देखिबा ना, एक्सप्लेन, वी हैव टू एक्सप्लेन द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। सो फर्स्ट देखो आंसर को जीवा आमे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। द पार्लियामेंटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड नॉट वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन। देन इंडिया ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ब्रिटेन, थस बोथ एग्जिबिट सर्टन कॉमन फीचर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द लेजिस्लेचर, डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मेजोरिटी पार्टी रूल विथ द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो फास्ट देखो पुणी आउ थे कौच मु, प्रेजेन्स ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव है फास्ट फीचर, देन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर सेकेंड फीचर, देन मेंबरशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर थर्ड फीचर, डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस इज अ फॉर कौन पे ना, ये परमानेंट जदि हेथांदा ताले मे बी आमर टेंडेंसीटा प्रेसिडेंशियल टेंडेंसी हेथांदा, देन मेजॉरिटी पार्टी रूल, मेजॉरिटी पार्टी रूल रे कौन विथ द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तेणु यही सब फीचर कहार ना पार्लियामेंटरी सिस्टम। बट हाउएवर इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम नेवर बिकेम ए रिप्लिका ऑफ द ब्रिटिश मॉडल एंड मॉडिफाइड इट्स फीचर्स फिटिंग इट्स इंडियन पॉलिटी, थस देयर आर ए फ्यू फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल सबर्निटी एंड नॉट पार्लियामेंटरी सबर्निटी। इन इंडिया अनलाइक ब्रिटेन वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, द पार्लियामेंट एंजॉय रेस्ट्रिक्टेड पावर ड्यू टू ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट। फर्स्ट देखो इलेक्टेड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, आम इतने डिस्कस कौन कले ना किसी फंडामेंटल डिफरेंस रोचे। फर्स्ट देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सबर्निटी एंड नॉट पार्लियामेंटरी सबर्निटी, तेणु ब्रिटेन रे कौन अच्छी ना पार्लियामेंटरी सबर्निटी अच्छी। तो ये देखो लिखाई इन इंडिया अनलाइक ब्रिटेन व्हेयर द पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, द पार्लियामेंट एंजॉय रेस्ट्रिक्टेड पावर ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट। तेणु ये कौन ना आमर कंट्री रे कॉन्स्टिट्यूशनल सबर्निटी बट पार्लियामेंटरी सबर्निटी कौन थे यूके रे, से गोटे मेजर डिफरेन्स सेटा रोचे। तापर देखो इलेक्टेड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ब्रिटिश रो किंग किंबा क्वीन तांकर हेड किए हेरिडिटरी हेड, बट आमर हेड किए आमर इलेक्टेड हेड, तेणु इंडियन स्टेट हाज आन इलेक्टेड हेड दैट इज द प्रेसिडेंट, दैट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द ब्रिटिश स्टेट ऑन द अदर हैंड हैज ए हेरिडिटरी हेड दैट इज मोनार्की। देन नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पीएम टू बी ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस ओनली। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाइल द ब्रिटिश द प्राइम मिनिस्टर शुड नेसेसरीली बिलोंग टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एटा गोटे मेजर डिफरेंस। देन नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मिनिस्टर ऑफ बेइंग एमपी ऑन अपॉइंटमेंट। इन इंडिया ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन एल्सो बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months पेंडिंग इलेक्शन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन ब्रिटेन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, ताकर सेमती किसी प्रोविजन नहीं जे 6 months भितर तुम पुणी मेंबर हो रही हो, मेंबर होते जाए ही तुम एमपी हो पार, देन मिनिस्टर हो पार। देन नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर इन इंडिया डू नॉट हैव इंडिविजुअल और
legal responsibility, that is, they are not required to countersign the official act. But Britain has this system such that every minister is individually responsible for the act passed. Tenu eta gote a gote major difference. No shadow cabinet. The shadow cabinet is a feature of British cabinet system. It is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet and prepare its members for the future ministerial office. There is no such institution in India. तो मेजर डिफरेंस आमर देखिले कौन कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी एंड नॉट पार्लियामेंटरी सॉवरेनिटी देन इलेक्टेड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पीएम टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस ओनली देन नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मिनिस्टर ऑफ बीइंग एन एमपी ऑन अपॉइंटमेंट देन नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर देन लास्ट नो शैडो कैबिनेट तेणु बेस्ड ऑन दिस फीचर इट इज एविडेंट दैट देर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम थस इंडियन सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लेटर तो ये आमर एक्सप्लेनेशन तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस बाय बाय टेक केयर